कर्नाटक में 10 मई को मतदान है, नामांकन प्रक्रिया चल रही है और इस बीच चुनाव प्रचार भी तेजी पकड़ने लगा है। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है तो कई सीटों पर जेडीएस भी मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी 2 दिन से कर्नाटक के दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने कोलार में सभा की थी जहां उन्होंने मोदी सरकार को ओबीसी, दलित और आदिवासी विरोधी बताया था। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के आंकड़ों का ही सहारा लिया तो आज उन्होंने भालकी से चुनावी हुंकार भरते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ये भी बताया कि वो जनता से किए हुए सभी वादे निभाएंगे। राहुल ने कहा कि 40% की कमीशन की सरकार का नारा हमने नहीं, कर्नाटक की जनता ने दिया है। मैंने हमेशा चुनावों में अपने नेताओं से कहा है कि जनता से सच्चे वादे करें, मोदी जी की तरह 15 लाख के झूठे वादे ना करें, काले धन को वापस लाने के झूठे वादों से दूर रहें। कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण 4 फैसले ले लिए जाएंगे, न कि मोदी सरकार की तरह सत्ता में आने के बाद कांग्रेस अपने वादों को भूल जाएगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कर्नाटक में लिंगायत धर्म के गुरु बसवन्ना जी को लेकर कहा, देश में सबको जगह मिलनी चाहिए, सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए, ये बसवन्ना जी की सोच थी। लेकिन उस सोच पर आरएसएस बीजेपी आक्रमण कर रही है। जो सबसे गरीब कमजोर लोग हैं उनसे धन छीनकर 2-3 अरबपतियों को धन दिलवा रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी को पहचान चुके हैं। राहुल गांधी ने मंच से ये साफ संदेश दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मोदी सरकार की तरह अपने वादों को भुलाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें कांग्रेस पूरा करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और यूपीए शासन याद दिलाया है। खड़गे ने तुरंत जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की है। खड़गे का पीएम मोदी को लिखा खत ठीक उस घटनाक्रम के बाद आया जब बीते रोज राहुल ने पीएम मोदी को जाति जनगणना जारी करने की चुनौती दी थी। खड़गे ने मांग की है कि 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना भी कराई जानी चाहिए। अपने पत्र में खड़गे ने पीएम मोदी को यूपीए शासन के दौरान की गई जाति आधारित जनगणना याद दिलाई है। खड़गे ने अपने पत्र में लिखा है, आप जानते हैं कि पहली बार यूपीए सरकार 2011-12 के दौरान लगभग 25 करोड़ परिवारों को कवर करते हुए एक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित की थी। हालांकि कई कारणों से जाति डेटा प्राप्त नहीं हो सका। भले ही कांग्रेस और अन्य सांसदों ने मई 2014 में आपकी सरकार के सत्ता में आने के बाद इसे जारी करने की मांग की, ये सार्थक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए बहुत आवश्यक है। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को याद दिलाया कि जैसे जनगणना के आंकड़ों को संकलित करना उनकी जिम्मेदारी थी और आखिरी जनगणना जो 2021 तक होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया था। वहीं जयराम रमेश ने भी इस पत्र को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि जितनी आबादी उतना हक। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि 2021 की दशकीय जनगणना जल्द से जल्द कराई जाए, साथ ही जाति जनगणना को इसका अभिन्न अंग बनाए जाने की मांग की है। इससे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी राहुल गांधी की चुनौती और मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र को क्या जवाब दे। कर्नाटक में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, बीजेपी को लगातार झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने पार्टी में बगावत छेड़ दी है तो वहीं कर्नाटक में बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। एक और बड़ा झटका बीजेपी की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खुद को उम्मीदवार बनाने में देरी से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की। शेट्टार ने बीजेपी से नाराजगी जताते हुए 16 अप्रैल को ही भाजपा से इस्तीफा दे दिया था और आज उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पार्टी से नाराज चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। उनके इस दाव से पार्टी को कर्नाटक में 20 से 25 सीटों पर असर देखने को मिलेगा। सर्वे की बात करें तो पहले से ही कांग्रेस कर्नाटक में अपना परचम लहराती दिखाई दे रही है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कांग्रेस में शामिल होने को लेकर शेट्टार ने कहा कि कल मैंने बीजेपी छोड़ दी थी और आज मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। कई लोग हैरान हैं कि एक मुख्य विपक्षी नेता, पूर्व सीएम और पार्टी अध्यक्ष कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी ने मुझे सारे पद दिए और पार्टी कार्यकर्ता होने के साथ मैंने हमेशा पार्टी के विकास के लिए काम किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता होने के नाते मैंने सोचा कि मुझे टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है तो मैं चौंक गया। किसी ने मुझसे बात नहीं की और ना ही मैंने जानने की कोशिश की। आश्वासन भी नहीं दिया गया कि मुझे क्या